Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Anjum Sai and you are watching my channel. It's day 3. तो आज हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर और ये हनुमान मंदिर का रास्ता. Let's go. और अब हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर के बाद कोटेश्वर महादेव के दर्शन करने. और हम पहुंच गए हैं कोटेश्वर मंदिर. यह है कोटेश्वर का गेट. अब हम करेंगे दर्शन. और ये हम जा रहे हैं कोटेश्वर महादेव. तुम्हारा टाइम है कौन सा आने का? वन टेक का खाना खा लेते हैं. तो हमने मंदिर में प्रवेश कर लिया है. ये है कोटेश्वर महादेव. नीचे नदी है जहाँ हम अभी जाएंगे. यहाँ पे बच्चों का मुंडन भी होता है जैसे इस बच्चे का वाला छोटा. अरे बोलते ऊपर से लेते आता. तो हम लोगों ने कोटेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए हैं. पानी चढ़ा लिया है. अच्छे से पूजा वूजा हो चुकी है. हम जा रहे हैं घर. यहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं फाइनली संगम में जहाँ की अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है. और फाइनली दोनों नदियाँ मिलके अलकनंदा बनाती हैं. तो हम लोग पहुँच चुके हैं संगम. और ये है रुद्रप्रयाग. तो यहाँ होता है संगम अलकनंदा और मंदाकिनी का जो आके अलकनंदा बन जाती है. तो हम पहुंच चुके हैं गुजरात के संगम जहाँ पे अलकनंदा और मंदाकिनी मिलके अलकनंदा नदी बनाते हैं. और ये है संगम अलकनंदा मंदाकिनी का. ये है रुद्रनाथ जी का प्राचीन मंदिर. और यहीं से नारद जी ने वीणा बजाने की शिक्षा ली थी. जा रहे हैं घर की तरफ. खाना वाना खाएंगे और फिर हम निकल जाएंगे श्रीनगर की तरफ. ये दूसरा रास्ता है. ये सड़क पे मिलता है. अभी हम निकलेंगे डायरेक्ट मेन रोड पे. वहाँ से गाड़ी से घर निकल जाएंगे. ये है टनल.
अब हम रुद्रप्रयाग से रवाना होने वाले हैं श्रीनगर की तरफ। हमारे बैग वैग सब पैक हैं। गाइस मैं दूर से अलविदा करती हुई थोड़ा सा इमोशनल क्योंकि सभी घर जा रहे हैं। ये हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग के मार्केट, ये रही गाड़ी और अब हम निकल रहे हैं श्रीनगर की तरफ। तो मिलते हैं आपको श्रीनगर।